Join our Telegram channel for free winning teams, free giveaways, exciting offers and last moment updates. Telegram channel joining link is in description box. नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच में होने वाले आईपीएल के इस मैच के बारे में। और दोस्तों आज के इस मैच में भी हम बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने वाले हैं, उसकी चिंता आप मेरे पे छोड़ दो। बस आपको कुछ भी नहीं करना है यार इस मैच में प्रॉफिट कमाने के लिए, आपको वही करना है जो आप हमेशा करते हो कि इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देख लेना है, क्योंकि इस वीडियो में भी मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, बहुत सारी प्रेडिक्शन लेके आया हूँ, जिनका इस्तेमाल करके जब आज आप अपनी टीम बनाओगे तो भाई आपको हराने वाला कोई भी नहीं होगा। दोस्तों जो कल वाला मैच था आपको याद ही होगा, मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में, ठीक है। उसका जब मैं वीडियो लेके आया था तो उसमें मैंने आपको कुछ बातें बोली थी, कुछ प्रेडिक्शन दी थी, और यार सेम टू सेम जो है मैच गया है एकदम एग्जैक्टली, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला था कि भाई आंद्रे रसल जो है जैसे ही बैटिंग करने आएंगे वैसे ही बुमराह को बॉलिंग दी जाएगी और उसी ओवर में आंद्रे रसल चलते फिरते हो लेंगे। सबको बताया कल के मैच में क्या हुआ, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों वेंकटेश अय्यर का क्या सीन रहा? देखो जब तक मैच स्टार्ट नहीं होता तब तक कंफर्म नहीं था कि वेंकटेश अय्यर खेलेंगे, लेकिन जैसे ही अपने को पता लगा तो उसके बाद वेंकटेश अय्यर खेलेंगे। मैंने आपको टेलीग्राम पे बोल दिया था कि भाई वेंकटेश अय्यर इस मैच में अच्छा कर सकता है, इसको आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम में, रिस्की स्मॉल लीग की टीम में और स्मॉल लीग की टीम में रख सकते हो। मुंबई के अगेंस्ट रिकॉर्ड अच्छा है, मैंने अपनी टीम में रखा था। सबको पता है कल के मैच में वेंकटेश अय्यर ने क्या किया, ठीक है। नीतीश राणा का भी मैंने आपको बताया था डिसेंट पारी खेल के दे सकता है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों मैंने आपको रोहित शर्मा का बताया था कि या तो टीम सऊदी या फिर सुनील नारायण इनको जल्दी आउट करके लेके जाएंगे, टीम सऊदी ले गए, ठीक है। उसके अलावा ईशान किशन का भी बताया था कि मार सकता है, ठीक है। आंद्रे रसल बॉलिंग से पॉइंट देगा ये भी बताया था, सुनील नारायण इस मैच में बॉलिंग से पॉइंट नहीं देने वाला ये भी बताया था। सब लोगों ने सुनील नारायण को अपनी टीम में रखा था, हमने अपनी टीम से ड्रॉप किया था। अब बताओ और क्या ही चाहिए यार, है पूरी की पूरी मैच की जो स्क्रिप्ट है वो तो मैं आपको वीडियो में ही बता देता हूँ। अब दोस्तों आपको आज की इस मैच में विन करना है, कुछ भी नहीं करना, हमेशा की तरह इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देख देना। और मुझे पता है यार आप सब विन करने आए हो, हारने तो कोई आया नहीं होगा। तो देखो ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट में आपसे मांगूंगा, बस अपने सारे काम साइड में रख के इस वीडियो को पूरा देख लो और इस मैच में विन कर लो। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बोलूँगा कि यार ये तो है आईपीएल का 57 मैच, अभी तो आपको और विन करना है, ठीक है। इस मैच में तो मान लो आपने विन कर लिया, इस मैच में तो प्रॉफिट कमा लिया, लेकिन आगे के जो मैच हैं उनमें भी प्रॉफिट चाहिए ना। अभी तो आईपीएल के बहुत सारे मैच बाकी हैं, उसके बाद आईपीएल के बाद जो मैच आएंगे उनमें भी आपको प्रॉफिट चाहिए। तो देखो आपको कुछ भी नहीं करना मेरे भाई, आपको वही काम करना है जो लगभग 4 लाख से भी ज़्यादा लोग कर चुके हैं। क्या करना है वो देखो यार, नीचे लाल वाला बटन सब्सक्राइब वाला, जिस भी भाई ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो यार उस बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही साथ भाई जो बगल में बेल आइकन आ रहा है उसे भी दबा के ऑन कर लेना, उससे क्या होगा कि जितने भी अपडेट मैं आप लोगों के लिए अपने YouTube चैनल पर लेके आऊँगा वो सारी की सारी अपडेट आप तक सही सलामत पहुँचती रहेंगी। और जब तक आपके पास अपडेट पहुँचती रहेंगी, जब तक आपके पास मेरी प्रेडिक्शन पहुँचती रहेंगी, तब तक आपकी विनिंग होती रहेगी, ठीक है। तो आपको ये सिंपल सा काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना है। लाखों लोगों ने हम पर भरोसा दिखाया है, इनका मैं पिछले कई सालों से एकदम फ्री में प्रॉफिट करवा रहा हूँ, तो आपका भी करवा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्री का है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। बात करते हैं दोस्तों देखो इस मैच के बारे में, तो यार ये वाला जो मैच है आज शाम को 7:30 बजे MCA स्टेडियम में खेला जाएगा पुणे के अंदर, ठीक है। अब दोस्तों ये वाला जो स्टेडियम है ना यार पुणे वाला, इसके अंदर थोड़ी सी बात अलग है, इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यार मैं आपसे एक बात जरूर बोलूंगा। आपको भी पता है यार ताली एक हाथ से नहीं बज सकती, मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। मैं आप लोगों को रेगुलरली अपनी स्मॉल लीग की टीम एकदम फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जिसके लोग पैसे लेते हैं, ठीक है। आपको ग्रैंड लीग की टिप्स देता हूँ, आपको जो है ऑफर्स वगैरह लाते रहता हूँ आप लोगों के लिए, तो इतना सब अगर मैं कर रहा हूँ ना यार, तो यार आपको भी थोड़ा सा वो रिस्पॉन्स दिखाना ही पड़ेगा यार, तभी जो है मेरे को भी काम करने मजा आएगा, तभी जो है हम साथ मिलकर अच्छे से प्रॉफिट कमा पाएंगे। आपको कुछ भी नहीं करना मेरे भाई, आप बस इस वीडियो को देख रहे हो, देखते देखते वो जो लाइक का बटन आ रहा है उसे एक बार दबा देना, ठीक है। इतना सिंपल सा आपको काम करना है, लगभग 7,000-8,000 लाइक इस वीडियो पे कंप्लीट कर दो, इतना ही तो बात है यार, है ना। तो जिस भी भाई ने नहीं किया हो वो लाइक जरूर कर देना, 1 सेकंड लगेगा, और किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना है कि भाई ये कर देगा, 1 सेकंड लगेगा, आप ही कर देना, कोई चार्ज वगैरह तो लग नहीं रहा, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों पिच और वेदर के बारे में, तो मौसम साफ रहेगा। पिच की अगर मैं बात करूं तो जो महाराष्ट्र का ये जो स्टेडियम है, पुणे का जो स्टेडियम है, इसमें बैट्समैन को और फास्ट बॉलर्स को दो चीज़ों को बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है, ठीक है। और इसके बारे में और आगे बात करेंगे जब मैं आपको वेन्यू रिपोर्ट बताऊंगा। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आगे इस वीडियो में मैं आपको वेन्यू रिपोर्ट बताने वाला हूँ, उसके अलावा टीम न्यूज़ बताऊंगा, उसके अलावा आपको एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 दिखाई जाएगी, प्लेइंग 11 के सारे रिकॉर्ड दिखाए जाएंगे, डेथ ओवर बॉलर्स के बारे में बताया जाएगा, प्लेयर बैटल्स के बारे में बताया जाएगा, ठीक है।
तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको आगे इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन दोस्तों एक चीज़ जो आपको आगे इस वीडियो में नहीं मिल सकती वो है यार इस मैच की फाइनल टीम, क्योंकि जैसा कि आपको पता है अभी तक इस मैच का टॉस नहीं हुआ है, और जब तक यार इस मैच का टॉस नहीं होता था तब तक हम अपनी फाइनल टीम भी नहीं बना सकते, है ना। क्योंकि जैसे कल का मैच उठा लो, वेंकटेश अय्यर का पता लगा कि टॉस के बाद पता लगे ना खेलेगा, उसी के लिए तो हमने अपनी टीम में रखा। तो अपनी जो भी फाइनल टीम होगी वो आपको हमेशा की तरह अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। तो जिस भी भाई ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हो वो जरूर से ज्वाइन कर लेना, आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। ज्वाइनिंग लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, उस पर क्लिक करोगे 2-3 सेकंड के अंदर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाओगे, एकदम फ्री है और बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं वहां पर। मैं आपके लिए टॉस के बाद अपनी सारी अपडेट और अपनी फाइनल टीम पोस्ट करता हूं, तो वो आपको जरूर से ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। ज्वाइनिंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आप खुद ही सोचो ना यार, जब तक आपको फाइनल टीम नहीं मिलेगी, फाइनल अपडेट नहीं मिलेगी, तब तक आप जीतोगे कैसे, ठीक है। तो जरूर से ज्वाइन कर लेना, अभी जाकर करना चाहो अभी कर लेना, या फिर इस वीडियो को खत्म कर लो उसके बाद करना चाहो उसके बाद कर लेना। ज्वाइनिंग लिंक वही है डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। बात करते हैं दोस्तों वेन्यू रिपोर्ट की, तो यार ये है कुछ पिछले मैच जो इस पर्टिकुलर मैदान में खेले गए थे, ठीक है। एक एक मैच की बात करते हैं। ये वाला जो मैच खेला गया था इसमें आप देखोगे तो फास्ट बॉलर्स को 10 विकेट मिले थे और 5 विकेट मिले थे स्पिन बॉलर्स को, ठीक है। यहाँ पर आओ एक मई वाले मैच में फास्ट बॉलर्स को 7 विकेट, स्पिनर्स को 1 विकेट। यहाँ पर आओ इस मैच में फास्ट बॉलर्स को 5 विकेट, स्पिनर्स को 9 विकेट, यहाँ पर उल्टा हो गया। और इस मैच में आप देखोगे तो वापस फास्ट बॉलर्स को 12 विकेट और स्पिनर्स को 2 विकेट। तो जनरली मैं ऐसा मान लूँ क्या कि यहाँ पर फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा स्पॉट मिलता है स्पिनर्स के मुकाबले में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक मैच में ऐसा हुआ है कि स्पिनर्स को ज़्यादा विकेट मिले, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर आप नोटिस करो इस मैच में भी ऐसा ही होगा, फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा सपोर्ट, क्योंकि दोनों ही जो टीम है वो फास्ट बॉलर से भरी पड़ी है, ध्यान रखना। उसके अलावा ये देखो लखनऊ सुपर जायंट्स वोन बाई 75 रन, वोन बाई 13 रन, ठीक है। उसके बाद देखो 20 रन से जीत गई, 13 रन से जीत गई। इसका मतलब है कि पिछले ये जो चार मैच हुए ना, चारों के चारों मैच उस टीम ने विन किए हैं जिसने पहले बैटिंग की है। अब बात ध्यान रखना, ये वाला जो मैच है ये इवनिंग वाला मैच है, तो ड्यू का थोड़ा बहुत सीन रह सकता है, ठीक है। तो इस मैच में जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो बोलिंग करना चुन सकता है, लेकिन इस ग्राउंड के स्टेट्स ये बताते हैं कि जो पिच होता है वो धीरे धीरे स्लो हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर बैटिंग करना ज़्यादा फायदेमंद रहता है। मेरे को लगता है कि अगर हार्दिक टॉस जीतेगा ना तो वो पहले बैटिंग चुन लेगा, उस बंदे को रिस्क लेना अच्छा लगता है। बाकी अगर केएल राहुल टॉस जीतते हैं तो फिर हो सकता है कि वो बॉलिंग चुने, ठीक है। और बाकी दोस्तों अगर यहाँ पे एवरेज स्कोर देखोगे तो यहाँ पर 200 के समथिंग गया था, यहाँ पर 150 के समथिंग, 170 के समथिंग, 180 के समथिंग, तो मतलब हाँ इतना ही स्कोर यहाँ पर रहता है, बैट्समैन को सपोर्ट मिलता है। 170 180 के समथिंग आपको इस मैच में भी स्कोर देखने को मिल जाना चाहिए। बात करें दोस्तों अगर हम इन दोनों टीम्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड और रीसेंट परफॉर्मेंस के बारे में, तो यार हेड टू हेड रिकॉर्ड देखो, इस सीजन में एक मैच खेला गया है, उससे पहले कभी कोई मैच नहीं खेला गया, और ये वाला जो मैच था ये गुजरात टाइटंस जीत गई थी, ठीक है। अगर मैं इस दोनों टीम्स की रीसेंट परफॉर्मेंस की बात करूँ तो दोनों ही दोनों टीम जो है नई आई हैं और दोनों ने ही तहलका मचा रखा है। ये पॉइंट टेबल में फर्स्ट पोजीशन पर बैठी है, 11 मैच में से 8 मैच जीत गए, और ये भी 11 मैच में से 8 मैच जीत चुके हैं, लेकिन सेकंड पोजीशन पर। नेट रन रेट का बस थोड़ा सा फर्क है, बाकी दोनों ही टीम्स बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रही हैं। इस मैच में जो भी टीम जीत जाएगी वो टॉप पर तो आई जाएगी, साथ ही साथ क्वालिफाई हो जाएगी प्लेऑफ के लिए। आगे के चाहे सारे मैच हार जाए उससे कोई भी फर्क इनको नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब दोस्तों देखो यार इस मैच में किसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, किसके जीतने के चांसेस ज़्यादा नहीं है, तो उसको डिसाइड कर पाना थोड़ा मुश्किल, इसलिए मैंने दोनों के 50-50% रख दिया, ठीक है। क्योंकि दोनों ही टीम स्ट्रॉन्ग है, अगर एक आधे परसेंट का आप डिफरेंस देखना चाहो तो मेरे को लगता है कि लखनऊ की टीम जीत सकती है, क्योंकि इनके पास मोमेंटम है, पिछले चार मैच रेगुलरली जीते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ गुजरात के, तो इन्होंने पिछला मैच हारा है, तो मोमेंटम के हिसाब से देखो तो लखनऊ के पास थोड़ा सा एडवांटेज रहेगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार मैं आपसे एक बात जरूर बोलूंगा, वही बात है कि यार आपने हमारा इतना वीडियो देख लिया, मतलब डेफिनेटली वीडियो पसंद आ रहा है, और पसंद आ रहा हो तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना अगर अभी तक नहीं किया हो, ठीक है। लगभग 7-8 हज़ार की तो लाइक कंप्लीट करने यार। बात करें दोस्तों माई इलेवन सर्कल के बारे में, तो यार माई इलेवन सर्कल की दोस्तों डाउनलोड लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, डाउनलोड कर लोगे, 1500 रुपये तक का साइनअप बोनस आपको एकदम फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों आपको पता है वहाँ पर आपके फर्स्ट डिपॉजिट पर आपको 20% एक्स्ट्रा कैश भी मिलता है। डिपॉजिट कोड वो मांगेगा, उसमें लिख देना सपोर्ट, ठीक है, वो भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आपको 20% एक्स्ट्रा कैश भी मिल जाएगा। उसके अलावा दोस्तों आपको पता है बीट दी एक्सपर्ट के कॉन्टेस्ट वहाँ पर चलते हैं, एक्सपर्ट को हराओ 5 गुना कैश प्राइज जीत जाओ, तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑफर है जिसका फायदा उठा सकते हो। और ग्रैंड लीग की जो फर्स्ट प्राइज है हर एक IPL के मैच में, वहाँ पर 1 करोड़ रुपये रहती है, तो इसका भी आप एकदम आसानी से फायदा उठा सकते हो। माई इलेवन सर्कल की डाउनलोड लिंक दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, जिन्होंने नहीं किया हो वो कर सकता है, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों हम टीम न्यूज़ के बारे में, तो जैसा कि मैंने आपको बताया दोनों टीम्स की तरफ से कुछ न्यूज़ आती रहती हैं, जब तक मैच स्टार्ट नहीं होता ना तब तक आती रहती हैं,
तो अभी तक अपने पास जो लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की तरफ से आया है, एक तरीके से ये न्यूज नहीं है, ये एक तरीके से स्टेट है। ठीक है, क्या है कि लखनऊ सुपर जायंट्स का इस सीजन में ना माहौल सही रहा है, लेकिन जब जब इन्होंने पहले बैटिंग की है तब इन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है। बॉलिंग करते हुए हो सकता है उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करें, क्योंकि देख लो इन्होंने जो 7 मैच खेले हैं उनमें 6 बार उस टाइम जीते हैं जब इन्होंने पहले बैटिंग की है। तो ये बात ध्यान रखना कि इस मैच में लखनऊ की सुपर जायंट्स की जो टीम है वो टॉस जीत के बैटिंग भी चुन सकती है, केएल राहुल भी बैटिंग चुन सकते हैं। अगर अपनी टीम का वो रिकॉर्ड देखें, 7 बार खेले बैटिंग करते हुए और 6 बार जीत गए। और वही बात है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे जैसे अपनी पास न्यूज आती रहेगी वैसे वैसे मैं आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर करता रहूँगा। ठीक है, कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज आएगी या टीम की तरफ से कि भाई आपको बताना जरूरी है, आपकी जीत में हेल्प करेगी, वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप जरूर से ज्वाइन कर लेना, लेकिन उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। बात करते हैं दोस्तों गुजरात टाइटंस की टीम न्यूज के बारे में। तो यार न्यूज तो इधर की भी कोई नहीं है एक तरीके से, बस थोड़े से बहुत स्टेट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो वृद्धिमान साहा का इस सीजन में जो फास्ट बॉलर्स है ना उनके अगेंस्ट जो एवरेज है वो 51 रन्स का है। तो आप खुद सोच लो वृद्धिमान साहा इस मैच में कितनी अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं, क्योंकि दोनों टीम्स के पास फास्ट बॉलर्स ज्यादा है, मैंने आपको बताया। इसके अलावा दोस्तों एक चीज कि लखनऊ सुपर जायंट्स तो जो है पहले बैटिंग करते हुए अच्छा परफॉर्मेंस करती है, गुजरात टाइटंस पहले बॉलिंग करते हुए अच्छा परफॉर्मेंस करती है। दूसरी इनिंग में जब इन्होंने बैटिंग की है तो इन्होंने भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस की है, 6 में से 5 बार इन्होंने जीता है। तो मतलब दोनों के लिए सेटल हो सकता है, गुजरात टाइटंस पहले बॉलिंग भी चुन सकती है। ठीक है, और वही बात है दोस्तों, और कोई भी न्यूज आएगी तो वो आपके साथ मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगर हम एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में, तो लखनऊ सुपर जायंट्स की जो एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 है आपको अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख पा रही होगी। ठीक है, और वही बात मैं आपको कहूंगा कि ये जो भी है ये एक्सपेक्टेड है, इसको फाइनल प्लेइंग 11 मत समझ लेना, फाइनल आपको तो उसके बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड करवाई जाएगी फाइनल टीम से पहले। ठीक है, बात करूँ अगर दोस्तों इनमें मैं डेथ ओवर बॉलर्स के बारे में आपको बताऊँ तो आवेश खान आपको डेथ में दिख जाएंगे, जेसन होल्डर आपको डेथ में दिख जाएंगे। ठीक है, मेनली ये दोनों दिखेंगे, बाकी अगर चिप इन करना हो तो दुश्मन था जमीरा आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके हो जाते हैं पहले तो डेथ ओवर बॉलर्स जो डेथ में बॉलिंग करेंगे, और इनके ऊपर ज्यादा फोकस मैं हमेशा करता हूं आपको बताएं, वो इसलिए क्योंकि डेथ में विकेट गिरने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। इसका मतलब है कि ये जो बॉलर्स है ना ये विकेट निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों इन्हीं प्लेयर में से अगर मैं कुछ ऐसे प्लेयर्स की बात करूं जो मेरी फाइनल स्मॉल लीग टीम रहेगी ना उनमें रहेंगे ही रहेंगे, तो उनमें क्विंटन डिको का नाम आ जाता है, केएल राहुल का नाम आ जाता है, फिर नीचे से दोस्तों मैं हो सकता है कि दीपक हुड्डा को भी अपनी टीम में रखूं, फिर नीचे आने पर मैं आवेश खान और मोहसिन खान में से दोनों में से कोई एक या दोनों रखूंगा। ठीक है, कन्फर्म किसी को भी नहीं कर रहा हूं। तो एक तरीके से मान लो कि 4 प्लेयर भी अगर मैं आपको कन्फर्म कर दूं इस टीम की तरफ से, तो ये कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो मेरी स्मॉल लीग की टीम में रहेंगे रहेंगे, जो मेरी फाइनल टीम रहेगी ना उसमें भी रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें इन्हीं प्लेयर्स के सारे रिकॉर्ड के बारे में, मैंने आपको बोला कि एक एक प्लेयर के बारे में आपको बताया जाएगा, तो भाई बता रहा हूँ। ठीक है, एक एक प्लेयर के बारे में बता रहा हूँ, सारे रिकॉर्ड इन प्लेयर्स के बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों क्विंटन डिकॉक का ये देख लो रिकॉर्ड आप आराम से, ये तो जो रिकॉर्ड है ये है आईपीएल 2021 तक का कि 77 मैच इन्होंने खेले थे, 2.256 रन बनाए थे, और ये है इनका वेटिंग एवरेज, और ये है इनके पिछले 4 मैच जो इन्होंने आईपीएल 2022 इस सीजन में खेले हैं। पिछले मैच में 50 आई थी, उससे पहले 23, 46, 10, अच्छी पारी खेल रहे हैं क्विंटन डिकॉक, कोई बेकार पारी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्विंटन डिकॉक को मैंने कन्फर्म कर ही दिया है। ठीक है, केएल राहुल की अगर मैं बात करूँ तो यार पिछले 4 मैच में से 1 शतक 1 50 आ चुकी है, बाकी 2 मैच इनके हल्के भी गए हैं, मतलब कि अगर इन्हें स्टार्ट मिल गई तो फिर बड़ी पारी में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन अगर स्टार्ट ही नहीं मिली तो फिर क्या दिक्कत है ना। हालांकि केएल राहुल को मैंने कंफर्म कर दिया और इस मैच में स्टार्ट मिल सकती है, आगे वीडियो में और बात करेंगे। ठीक है, मार्कस स्टोनिस दोस्तों इनका बैटिंग ऑर्डर फिक्स नहीं है, कभी नंबर 4 पर, कभी नंबर 3 पर, कभी नंबर 8 पर भी आए हुए हैं एक बार। ठीक है, और इनकी जो बैटिंग है उतनी अच्छी आ नहीं रही है, पिछले मैच में एक ग्लिम्स जरूर दिखाया कि भाई अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, 14 बॉल में 28 रन बनाए थे, तो ध्यान रखना ये आपके लिए ग्रैंड लीग के अच्छे पिक हो जाते हैं, क्योंकि पिछले मैच को देख के मेरे को लग रहा है ये बंदा अपनी फॉर्म में आ गया है और अगर बैटिंग करने का मौका मिला तो अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं, तो ग्रैंड लीग में आपको पिक करना चाहिए इन्हें। ठीक है, दीपक हुड्डा की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे हैं और अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है जब से इन्हें खेलने का मौका मिल रहा है। ठीक है, उसके अलावा आयुष वर्धुनी कोई खास बड़ी परफॉर्मेंस कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनका यार बैटिंग ऑर्डर थोड़ा ज़्यादा ही डाउन है। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट अपने पास कृणाल पांड्या की, तो यार कृणाल पांड्या ने जब गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट खेला था पिछली बार इसी सीजन में, तो अच्छी परफॉर्मेंस की थी, अच्छे पॉइंट दिए थे, तो इनको भी आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, खासकर की ग्रैंड लीग की टीम में। और मैं अपनी टीम में इसलिए कंफर्म नहीं किया क्योंकि पिछले 2 मैच से बॉलिंग नहीं कर रहे, अगर बॉलिंग कर रहे होते तो 100% मेरी टीम में रहते, कहीं नहीं जाते, लेकिन यार अब बॉलिंग नहीं कर रहे, ऊपर से स्पिनर हैं, शाम का मैच है तो हो सकता है स्पिनर को बॉलिंग नहीं मिले। ठीक है, उसके अलावा जेसन होल्डर दोस्तों ये है इनके पिछले कुछ
चार मैच, इनमें देख लो आप, पिछले चार मैच में टोटल चार विकेट आए हैं और दो मैच इनके विकेटलेस गए थे, पिछले मैच में आए थे विकेट, ठीक है, और वो भी जो है मेरे को नहीं लगता कि सही से आए होंगे। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ दुश्मंत चमीरा की, पिछले चार मैच में इनके भी चार मैच हैं, ओनली एक मैच विकेटलेस हैं, तो इनको अगर आप ट्राई करना चाहो कर सकते हो, डिसेंट पिक है। बिश्नोई पिछले चार मैच में चार विकेट हैं, हर एक मैच में विकेट निकाल रहे हैं। मोहसिन खान की अगर मैं बात करूँ, हर एक मैच में विकेट निकाल रहे हैं, इनके पिछले चार मैच में जो है नौ विकेट हैं, और आवेश खान पिछले चार मैच में दो मैच खेले हैं और चार विकेट हैं, तो वो भी एक अच्छे पिक है, ये भी एक अच्छे पिक है, ये एक डिसेंट पिक है, क्योंकि शाम का मैच अगर दोपहर का मैच होता तो रवि बिश्नोई भी काफ़ी अच्छे पिक हो जाते, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अपने गिव अवे के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है अपने हर वीडियो में गिव अवे रहता है, और इसमें आपको क्या करना है कि कुछ भी नहीं करना, कमेंट करना है सिर्फ, ठीक है, मैक्सिमम दो कमेंट ही आप कर सकते हो, और कमेंट में आपको क्या करना है, कुछ भी अपने चैनल के बारे में कुछ भी बता दो, ठीक है, आपको बस सच बताना है, कोई मस्का मत लगाना, पता लग जाता है मस्का लगा रहे होगे तो, ठीक है, तो सच बोलना है और दो कमेंट करना है, सिंपल है। और अपने गिव अवे के रूल आपको फॉलो करना है कि एक तो आपको हमारे चैनल का सब्सक्राइबर होना जरूरी है, दूसरा आपको इस वीडियो को लाइक करना जरूरी है, और आपका जो कमेंट है वो रेंडमली सेलेक्ट किया जाएगा और आप विनर बन सकते हो, ठीक है, तो आपको सिंपली बस कमेंट करना है और वो तो आप कर ही दोगे। खैर बात करें दोस्तों अगर हम गुजरात टाइटन्स की टीम के बारे में, तो ये रही एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11, और वो भी बात है एक्सपेक्टेड है, फाइनल मत समझ लेना। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ डेथ ओवर बॉलर्स की, तो मोहम्मद शमी आपको डेथ में दिख जाएंगे, उसके अलावा लोकी फर्गुसन आपको डेथ में दिख जाएंगे, मेनली ये दोनों हैं, और चिप इन करना हो तो अलजारी जोसेफ कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों वही बात है डेथ ओवर बॉलर्स के ऊपर मैंने क्यों फोकस किया आपको पता है, और अगर मैं बात करूँ कुछ ऐसे प्लेयर्स की जो मेरी टीम में 100% रहने वाले हैं, तो उसका नाम आ जाता है शुभमन गिल, उसमें मोस्ट प्रोबेबली नाम आ जाता है रिद्धिमान साहा का, और उसके नीचे दोस्तों मेरे पास नाम जो है अगर मैं दूंगा तो मोहम्मद शमी और इधर से राशिद खान, इन दोनों में से कोई एक या फिर कोई दोनों रखूंगा, कंफर्म मैं एक बार इनको भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि रीजन खैर आपको आगे वीडियो में पता लग जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए एक तरीके से मान लो कि तीन प्लेयर ही मैं कंफर्म कर दूं, दो ये और इन दोनों में से कोई एक, ठीक है। तो चार प्लेयर तो दोस्तों देखो मैंने आपको उस टीम से कंफर्म करके दिए, तीन मैंने इससे कर, तो टोटल सेवन प्लेयर आपके कंफर्म कर दिए। बचे हुए जो चार प्लेयर हैं वो मैंने आपको कंफर्म इसलिए नहीं बताए हैं क्योंकि वो अभी तक कंफर्म नहीं हुए, ठीक है, वो टॉस होने के बाद कंफर्म होंगे। टॉस होने के बाद अपने पास बहुत सारी न्यूज आएंगे ना, पिच रिपोर्ट वगैरह, उनको ध्यान में रखते हुए वो कंफर्म होंगे, और वो जो भी प्लेयर होंगे चिंता मत करो, वो आपके साथ मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, तो वहां से देख लेना, अपनी टीम मॉडिफाई कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, अभी तक नहीं किया हो तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। बात करें दोस्तों अगर हम इन सभी प्लेयर के रिकॉर्ड के बारे में, तो शुभमन गिल का कुछ ऐसा सीन रहा है, और ये है इनके पिछले चार मैच जिनमें आप देखोगे तो 52 पिछले मैच में आए थे, 31 और 22 की भी पारी आ चुकी है पिछले चार मैचों में से, ओनली एक मैच ऐसा है जिसमें इनकी परफॉर्मेंस ज्यादा डाउन। उसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात करें रिद्धिमान साहा की, तो पिछले चार मैच में इनकी भी जो है 50 आ चुकी है, और 250 आ चुकी है बेसिकली, और हर एक मैच में अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ठीक है। हार्दिक पांड्या दोस्तों पिछले चार मैच में से पिछला ही मैच ऐसा था जिसमें सबसे बड़ी पारी आई थी, वो भी 24 रन की, बाकी अभी अच्छी फॉर्म में नहीं है, लेकिन ध्यान रखना हार्दिक पांड्या अच्छी फॉर्म में कभी भी आ सकते हैं, तो इनको आप अपनी टीम में जरूर ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग में भी, ग्रैंड लीग में, अगर सेफ जाना हो तो ट्राई कर लेना, ठीक है। डेविड मिलर की अगर दोस्तों मैं बात करूं, तो ये है इनके पिछले चार मैच और डिसेंट परफॉर्मेंस करके दे रहे हैं, डेविड मिलर को भी आप ट्राई करना चाहो कर सकते हो। सुदर्शन की अगर दोस्तों मैं बात करूं, ये भी एक अच्छे बैट्समैन है, एक 65 नोट आउट की बारी आ चुकी है ऑलरेडी इनके बल्ले से, तो उनको भी अगर आप ट्राई करना चाहो। साई सुदर्शन का दोस्तों मैं आपको एक चीज जरूर बोलूंगा, सिलेक्शन परसेंट कम रहेंगे, इनको आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम में जरूर ट्राई करना, अगर 15-20 ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हो तो 4-5 टीम में आपके पास सुदर्शन होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं टेवटिया की, तो टेवटिया का कुछ सीन ऐसा है कि इन्होंने पिछले चार मैच में दो मैच में अच्छी परफॉर्मेंस की है जब जब इनकी बैटिंग आई है, ठीक है, बॉलिंग से इनको कोई लेना देना नहीं है फिलहाल में, और पिछले दो मैच से बैटिंग में भी कोई ज़्यादा खास परफॉर्मेंस आई नहीं है, इनको मैं अपनी टीम में शायद नहीं रखूंगा, लेकिन ग्रैंड लीग की अगर आप 15-20 टीम बना रहे हो तो एक दो टीम में आपको जरूर रखना है, ठीक है। राशिद खान दोस्तों पिछले मैच में दो विकेट लिए, पिछले चार मैच में टोटल तीन विकेट ले चुके हैं, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर नहीं पा रहे हैं, रात का मैच हो सकता है नहीं करें उतनी अच्छी परफॉर्मेंस एक बार वापस, लेकिन वही बात है अगर आपको सेफ खेलना है तो इनको अपनी टीम में पिक कर लेना, ठीक है। लोकी फर्गुसन दोस्तों पिछले तीन मैच से तीन विकेट निकाल रहे हैं, उसके पहले एक मैच विकेट लेस गया ही था। अलजारी जोसेफ भी पिछले चार मैच में तीन विकेट निकाले हैं, एक मैच इनका भी विकेट लेस है। सांगवान ने दोस्तों पिछले तीन मैच में तीन विकेट निकाले हैं, एक मैच इनका भी विकेट लेस है। और मोहम्मद शमी ने भी पिछले चार मैच में पांच विकेट निकाले हैं और एक मैच इनका भी विकेट लेस है। तो वही बात है यार, इनका जो पेस अटैक है ना वो उतना अच्छा क्लिक नहीं कर पा रहा जितना अच्छा क्लिक लखनऊ वाली टीम का कर रहा है, इसलिए मेरे को 1-1% उनके ज़्यादा लग रहे थे जीतने के, बाकी ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सारे के सारे प्लेयर। प्रदीप सांगवान का मैं आपको बता दूं ग्रैंड लीग पिक, अलजारी जोसेफ ग्रैंड लीग पिक,
ठीक है, इन दोनों को आप ग्रैंड लीग के कुछ टीम्स में जरूर ट्राई करना, दोनों अच्छे बॉलर हैं, कभी भी परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर बैटल्स के बारे में, और इंपॉर्टेंट से मेरा मतलब है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो आपका जो पूरा फोकस है ना वो एक बार के लिए यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा लेकिन आपको प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा करवा देंगे ये, तो यहाँ पर आपका पूरा फोकस, ठीक है। सबसे पहले हम दोस्तों बात करें गुजरात टाइटंस के बैट्समैन और लखनऊ के बॉलर्स के बारे में, ठीक है। ज़्यादा प्लेयर बैटल है ही नहीं, गिनती के चार हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लो, पहले आ जाता है दोस्तों डेविड मिलर और आवेश खान का। आवेश खान आपको पता है पिछले मैच में अच्छी परफॉर्मेंस करके गए हैं, डेविड मिलर को 23 बॉल खिलाए हैं जिसमें 45 रन जरूर मारे हैं, मतलब कि काफ़ी अच्छा खेल सकते हैं। 200 के समथिंग के स्ट्राइक रेट से डेविड मिलर खेलते हैं आवेश खान को, लेकिन अपना विकेट दो बार दिया भी है, तो ध्यान रखना आवेश खान भी डेविड मिलर को फंसा सकते हैं, कभी भी आउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों शुभमन गिल और आवेश खान का भी एक प्लेयर बैटर, इसमें देखोगे तो शुभमन गिल ने 28 बॉल खिलाई हैं जिनमें ओनली 25 रन बनाने दिए हैं, साथ ही साथ दो बार विकेट भी लिया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको देने वाला हूँ जिसके बारे में बहुत कम लोग सोचेंगे कि शुभमन गिल पावर प्ले में बैटिंग करेंगे, आवेश खान करेंगे बॉलिंग, तो भाई इन दोनों में प्लेयर बैटल आपको देखने को मिल सकता है। पावर प्ले के अंदर ही गिल का जो कबाड़ा है वो आवेश खान कर सकता है, तो ध्यान रखना शुभमन गिल को हम अपनी स्मॉल लीग टीम में जरूर रखेंगे क्योंकि प्लेयर अच्छा है, पिछले मैच में ये अच्छी परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं, लेकिन ग्रैंड लीग की कुछ टीम्स में से आप शुभमन गिल को अगर ड्रॉप करना चाहो तो कर सकते हो, उस टीम में आवेश खान को बेंच तक उठा लेना, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों नीचे जो दो प्लेयर बैटल हैं वो हार्दिक पांड्या के, एक है क्रुणाल के अगेंस्ट, एक है दीपक चमीरा के अगेंस्ट, दीपक क्या दुश्मंत चमीरा के अगेंस्ट, ठीक है। क्रुणाल पांड्या के अगेंस्ट दोस्तों मैं बात करूँ तो ये जो एक विकेट है वो इसी सीजन में आया था, अभी कुछ मैच पहले ही, ठीक है। और दुश्मंत चमीरा के अगेंस्ट दोस्तों 16 बॉल में 12 रन बना के एक बार विकेट इनको भी दिया है, ऊपर से दोस्तों हार्दिक पांड्या भी अच्छे फॉर्म में भी नहीं है, तो अगर आप ड्रॉप करना चाहो तो अपनी ग्रैंड लीग की कुछ टीम्स में से हार्दिक पांड्या को ड्रॉप करके चल सकते हो, स्मॉल लीग की टीम में अगर सेफ खेलना हो तो हार्दिक पांड्या को रख सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों देखो हमने बात की है जीटी के बैट्समैन और एलएससी के बॉलर्स के बारे में, अब हम करेंगे लखनऊ के बैट्समैन और गुजरात के बॉलर्स के बारे में, लेकिन उससे पहले देखो यार सब्सक्राइब ना हो तो जिस भी भाई ने अभी तक भी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा देना, आपको खुद सिर्फ 2-3 दिन के अंदर ही पता लग जाएगा कि अपना चैनल आपको कितना प्रॉफिट करवा सकता है। भाई लाखों लोगों ने हम पे भरोसा दिखा रखा है तो ऐसे ही थोड़ी दिखा रखा है, उनका प्रॉफिट हो रहा है, उन्हें पता है, ठीक है। पिछले कई सालों से एकदम जेन्युइनिटी के साथ एकदम फ्री में आप सबका मैं प्रॉफिट करवा रहा हूँ, तो आप भी अपने चैनल को सब्सक्राइब करो जिसने नहीं किया हो, ठीक है। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, अपडेट्स लेते रहो और विनिंग करते रहो, एकदम सिंपल सा काम है, ठीक है। बात करें दोस्तों अगर हम लखनऊ के बैट्समैन और गुजरात के बॉलर्स के बारे में, तो इधर भी अपने पास ज़्यादा प्लेयर बैटल नहीं है, गिनती के ही जो है कुछ प्लेयर बैटल हैं, एक एक के बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों केएल राहुल और राशिद खान का जाता है, जिसमें केएल राहुल राशिद खान के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए हैं, 30 बॉल में ओनली 18 रन बनाए हैं और 3 बार अपना विकेट भी दिया है, तो इससे क्या पता रख रहे हैं। देखो राशिद खान जनरली जो है पावर प्ले के अंदर बॉलिंग नहीं करते, और जब तक राशिद खान को बॉलिंग नहीं मिलेगी तब तक केएल राहुल अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही राशिद खान की बॉलिंग आई हो सकता है केएल राहुल आउट हो जाए, ठीक है। और इसकी वजह से ऐसा भी हो सकता है कि जो हार्दिक पांड्या है वो राशिद खान को पावर प्ले के अंदर एक आधा ओवर दे दें सिर्फ और सिर्फ केएल राहुल को आउट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि केएल राहुल स्ट्रगल कर रहे हैं सबको दिख रहा है, ठीक है। बाकी उसके अलावा दोस्तों क्विंटन डीकॉक और मोहम्मद शमी का एक प्लेयर बैटल है, इसमें आप देखोगे कि क्विंटन डीकॉक मोहम्मद शमी को खेल लेते हैं आसानी से, 26 बॉल में 42 रन बनाए हैं, बहुत अच्छा खेल लेते हैं, लेकिन 3 बार अपना विकेट भी दिया है, इसका मतलब है कि मोहम्मद शमी भी चालू आदमी है, उनको पता है कि क्विंटन डीकॉक को कैसे फंसाना है, ठीक है। और मोहम्मद शमी और क्विंटन डीकॉक दोनों अभी अच्छी फॉर्म में हैं, तो देखते हैं कौन जीतता है ये वाला प्लेयर बैटल। मेरे को लगता है कि यार बैटिंग फ्रेंडली वेन्यू है तो हो सकता है मोहम्मद शमी पहले ओवर में इनका विकेट नहीं ले, उसके बाद विकेट ले लेंगे मेरे को लगता है, लेकिन पहले ओवर में हो सकता है नहीं ले, ठीक है। दीपक हुड्डा और राशिद खान का एक प्लेयर बैटल है दोस्तों, इसमें आप देखोगे तो 20 बॉल में 2 बार इनका विकेट ले लिया है ओनली 22 रन देते हुए, और दीपक हुड्डा तो आएंगे भी उसी टाइम पे जिस टाइम पे राशिद खान बॉलिंग कर रहे होंगे, तो ध्यान रखना दीपक हुड्डा को इस टाइम पे सबसे ज्यादा खतरा है राशिद खान से। उसके अलावा दोस्तों मार्कस स्टोइनिस का एक प्लेयर बैटल है, वो भी राशिद खान के अगेंस्ट, इसमें 30 बॉल में 38 रन है और 3 बार विकेट है, तो मार्कस स्टोइनिस को तो वैसे भी हम अपनी टीम में नहीं रखने वाले थे, ग्रैंड लीग की टीम में आप जरूर रख सकते हो, स्मॉल लीग की टीम में शायद ही मैं रखूंगा क्योंकि राशिद खान के अगेंस्ट उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं है और रिसेंट उनका वैसे भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों क्रुणाल पांड्या के दो प्लेयर बैटल हैं, एक राशिद खान एक मोहम्मद शमी के अगेंस्ट, और इसमें आप देखोगे तो राशिद खान के अगेंस्ट तो भाई हद से ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, 2 बार अपना विकेट दिया 17 बॉल में 16 रन बनाते हुए, और मोहम्मद शमी को 19 बॉल में 24 रन बनाते हुए 3 बार अपना विकेट दिया है।
अब मैंने कृणाल पांडे को अपनी टीम में कंफर्म क्यों नहीं किया वो आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए दो में से बॉलिंग भी नहीं मिल रही, ऊपर से बैटिंग में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हो सकता है उतनी अच्छी परफॉर्मेंस, उतनी बड़ी परफॉर्मेंस ये इस बार नहीं करें, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गए अपने सारे प्लेयर बैटल। अच्छा एक बार हम स्टार्टिंग से अगर रिकैप करें तो मैंने आपको दोस्तों देखो पिच रिपोर्ट बताया था, टीम न्यूज बताई थी, वेन्यू रिपोर्ट बताए थे, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 बताई, प्लेइंग 11 के सारे रिकॉर्ड बताए, डेथ ओवर बॉलर्स बताए, और दोनों टीम के प्लेयर बैटल मैंने आपको अभी अभी दिखाए, ठीक है। अब दोस्तों देखो आगे इस वीडियो में मैं आपको एक टीम दिखाने वाला हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग गलती करते हैं यार आप में से, प्लीज उस गलती को अवॉइड करना कि इस टीम को फाइनल टीम मत समझ लेना, ठीक है। इस टीम को कॉपी करके, इस टीम को छाप के अपने कॉन्टेस्ट ज्वाइन मत कर लेना, क्योंकि ये फाइनल टीम नहीं है मेरे भाई, ये सिर्फ एक डेमो टीम है। फाइनल टीम आपको टॉस के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी, और टेलीग्राम चैनल की जो ज्वाइनिंग लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में ही मिलेगी। वीडियो खत्म होने वाला है, आपको क्या करना है, वीडियो खत्म होते डिस्क्रिप्शन खोलना या फिर कमेंट खोल लेना, उसमें आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना, ठीक है। ये वाली जो टीम है दोस्तों, ये तो मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लगे कि इस मैच में किस तरीके की टीम आप बना सकते हो, ठीक है। बाकी इस टीम में चेंजेस होंगे, जो भी फाइनल टीम होगी वो आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर की जाएगी, बाकी अपनी जो डेमो टीम है वो आप आराम से देख सकते हो। अब इसमें मैंने देखो केएल राहुल को अपनी टीम में रखा है, क्विंटन डिको को रखा है, वृद्धिमान शाह को रखा है, तीनों के तीनों को अपनी टीम में रख लिया। उसके अलावा शुभमन गिल को रख लिया, डेविड मिलर को रख लिया, हार्दिक पांड्या को रख लिया, दीपक हुड्डा को रख लिया, यहाँ से राशिद खान, मोहम्मद शमी, आवेश खान और मोहसिन खान। मोहसिन खान एक रिस्की पिक है, अगर आप चाहो तो इनको ड्रॉप करके दुष्मांता चमीरा वगैरह को उठा सकते हो, ठीक है, या फिर जैसन होल्डर वगैरह को उठा सकते हो। और चिंता मत करो, ये वाली जो टीम है ये आपकी हर एक प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी, हर एक एप्लीकेशन पर बन जाएगी, ठीक है। इसमें सिर्फ दीपक हुड्डा माई इलेवन सर्कल पर जो है दीपक हुड्डा ऑलराउंडर सेक्शन में है, बाकी हर जगह आपको बैट्समैन सेक्शन में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपकी ये वाली टीम बन जाएगी, चिंता मत करो। और वैसे भी ये तो एक डेमो टीम है, तो इसका तो कोई ज्यादा वो भी नहीं है, फाइनल टीम तो आपको तो उसके बाद अपने टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है। बाकी बात करूं दोस्तों अगर इन्हीं 11 प्लेयर में मैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की चॉइसेस की, तो देखो केएल राहुल आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन की अच्छी चॉइस है। अच्छा देखो अपना वीडियो जो है ऑलमोस्ट खत्म हो गया, तो जिस भी भाई ने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो में जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करके देना, 8000 लाइक तो कंप्लीट कर ही दो मेरे भाई। खैर बात करें केएल राहुल की हो गया, क्विंटन डिको का आपके लिए एक अच्छी चॉइस है, उसमें से अगर आप देखो तो और कोई तो वैसे मेरे को ज़्यादा सही लग नहीं रहा। बाकी शुभमन गिल ने भी पिछले मैच में अच्छी परफॉर्मेंस की थी, बस इनको खतरा है किससे है उसके बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। उसके अलावा अगर आप जाना चाहो तो वृद्धिमान साहा एक रिस्की हो जाते हैं, लेकिन अच्छे कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस है। मैं बोलूंगा कि आप ग्रैंड लीग की जब टीम बनाओ तो उनमें एक आधी टीम में जरूर ट्राई कर लेना। अगर हार्दिक पांड्या बॉलिंग करते हैं तो ये भी अच्छी है, हार्दिक पांड्या इस मैच में बॉलिंग करेंगे कि नहीं करेंगे वो अपने को टॉस के टाइम पता लग जाएगा, तो वो भी मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। अगर बॉलिंग करते हैं तो अपनी टीम के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन की अच्छी चॉइस हो जाते हैं, ठीक है। तो ठीक है यार इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, अपना ध्यान रखिएगा।